फेसबुक पर दोस्ती करना पड़ सकता है महंगा यदि आप अनजान व्यक्ति से फेसबुक पर चैट कर रहे हैं और दोस्ती कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। पानीपत में रहने वाली एक महिला को फेसबुक पर दोस्ती करनी इतनी महंगी पड़ गई कि उसे उसकी कीमत अपनी इज्जत से चुकानी पड़ी। फेसबुक पर उसके दोस्त बने युवक महिला से मिलने पानीपत आए और मुलाकात के दौरान उन्होंने युवती को नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ बलात्कार कर दिया। दरिंदे यहीं तक नहीं रुके, उन्होंने महिला की आबरू से खेलते हुए उसकी वीडियो भी बना ली और वीडियो को वायरल करने की धमकी देते हुए महिला से 10 लाख रुपए की मांग कर डाली। पैसे ना मिलने पर वीडियो को वायरल करने की धमकी दी गई और महिला को सबूत के तौर पर सोशल मीडिया के माध्यम से वीडियो सेंड भी की गई। महिला को जाति सूचक शब्द और गालियां भी टेक्स्ट की गई। पूरे मामले को लेकर आज पानीपत में समाज सेवी सविता आर्य महिला को लेकर पानीपत के पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार से मिलने पहुंची। पुलिस अधीक्षक सुमित कुमार ने भरोसा दिया है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दर्ज कराने गई पुलिस में क्या हुआ था? मैं वहाँ मामला दर्ज करवाने गई तो वहाँ पे पहले वहाँ बैठे बातें थे, बैठे मिले थाने में। हाँ, फिर मैं चली आई, फिर धमकी भी देते थे व्हाट्सएप पे। क्या कह रहे थे, क्या कहते थे? कि पुलिस के पास किसी को बताइए, पुलिस को बताइए तो जान से मार देंगे। और जब थाने में गई, जब किसी पुलिस वाले ने बोला आपको कि पुलिस वालों के पास मैं गई नहीं वहाँ, फिर मैंने कोर्ट के थ्रू आपका एक बयान भी आ रहा है कि कुछ क्या बोला? हाँ, पुलिस वाले बोले कि वीडियो दिखाओ, फिर हम केस दर्ज करेंगे। उनको भी तो दिखाएंगे, आगे वालों को भी तो दिखाएंगे कि वीडियो है कि तुम ऐसे झूठा ही बोल रही है। तो क्या बोलने लग रहे? मामला दर्ज नहीं किया था? नहीं। अब कैसे किया, फिर कैसे हुआ? अब तो मैं कौन आपके साथ आई, क्या हुआ? मैं तो अकेली हूँ, मेरे साथ कोई नहीं। फिर मैंने उनको न्यूज वालों को दिए ना, पेपर वालों को, उन्होंने नंबर दिए मैडम का। जब मैडम एसपी से मिली हो तो क्या बातचीत हुई अंदर आपसे, क्या क्या यहाँ पे? हाँ जी, ये एसपी बोले कि अगर वीडियो आपने बनवाया होगा तो आपके आपको बंद होना पड़ेगा, अगर उन्होंने बनवाया होगा तो बोले अगर आपने वीडियो बनवाया तो कहीं आपने आप वीडियो बनवा के ब्लैकमेल कर रहे हो। जो तीनों आरोपी वो यूपी के, नाम बता दें, उधम सिंह चौधरी और विशाल राणा, अनुज उसी का नाम है, अनुज, विशाल का ही नाम है अनुज और अभिषेक। फेसबुक पे किससे हुई थी दोस्ती? उधम सिंह। ठीक, मामले आप एसपी साहब से मिले? एक अखबार के माध्यम से मुझे पता लगा था कि भाई एक महिला के साथ तीन लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया है, बलात्कार करने के बाद उसकी वीडियो बना के और सोशल मीडिया पे वायरल करने की धमकी दी गई है, जो कि मैंने उसके मैसेज में भी मैंने देखा है। उस महिला ने मुझे कॉन्टैक्ट किया और मुझे कहा कि भाई मैं बाहर से आई हुई हूँ और मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर रहा, तो मैंने कहा कि आप सीधा एसपी ऑफिस आओ, अगर आप थाने में गए आपका पर्चा दर्ज नहीं हुआ तो मैं आपका पर्चा दर्ज करवाऊंगी अगर आप सच हो, लेकिन मैं सबूत पहले देखूंगी, उसके बाद मैं आपको खुद एसपी साहब के पास लेके जाऊंगी। उस महिला ने मुझे वो वीडियो दिखाई, उसके बाद वीडियो मुझे लगा कि कभी महिला ने खुद वीडियो ना बना रखी हो और ये ब्लैकमेलिंग का कोई मामला ना हो, तो उसे मुझे पूरा नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट दिखाए, उसमें उस महिला को वो बोला गया है कि वो वाल्मीकि जाति से है, उसको गाली देके बोला गया है, वाल्मीकियों को भी गाली दी गई है, और मतलब उसके बाद ये बोला गया है कि भाई हम आपकी वीडियो जो है, हम आपकी वीडियो आपके घर द्वार पे मतलब भेज रहे हैं, आप उसको देख लेना और इस वीडियो को नहीं तो 10 लाख रुपए दो, अगर 10 लाख रुपए आप नहीं दोगी तो आपकी वीडियो को हम वायरल कर देंगे। एसपी साहब से मिले तो एसपी साहब ने अभी तुरंत पर्चा दर्ज करवाने के लिए बोला, महिला पुलिस उसको लेके गई है, पर्चा दर्ज हो रहा है।